cucerim. Suria ce-ndremăsa-mi-va, punare de tagneta geanta, sângămi Tomihine pita vasho, Tom mata shatakretho babu vitha, Adhati sumnami mahe. Tomi vamata cha pita tomi va, Tvame babandhushya sakha tvame va, Tvame va vidya dravinam tvame va, Tvame va sarvam mama deva deva, Tvame va sarvam mama deva deva. पाप की बेल बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो ये शोक और संताप बढ़ते जाते हैं, संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने से प्रकाश, ये झाड़ और झनकार अपने आप बढ़ते जाते हैं, अपने आप बढ़ते जाते हैं। जी रहे हैं लोग कैसे, we'll be right back.
गधों के खीर पकती सिंह भूखे मर रहे हैं, हर गधों के खीर पकती घर गधों के खीर पकती ढूंढते हैं दोष बगुले ढूंढते हंस के हरे पापड़ बन गया भोर कलयुग आ गया अब राम रावण बन गया राम रावण बन गया लक्ष्मण का हाथ रहता लक्ष्मण का हाथ रहता आज के सीता हरण में लक्ष्मण का हाथ रहता आज के सीता हरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण तो डूबा है नशे में रात बीती जागरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में जी रहे हैं लोग कैसे आज के आदर और सत्कार के योग वेदी पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडल करो मेरी माताओं समाज के सामने तो अवश्य ही आज हम निराश होने लगते हैं ना नहीं आर्यजनों ने निराश होना नहीं सीखा समाज बदलेगा राष्ट्र बदलेगा लेकिन हम अपने अंदर आशा का संचार करें तो आइए मेरी माताओं में जैसा कह रही थी कि स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं है यही है इस धरा पर स्वर्ग है हमारे घरों में स्वर्ग है और हो सकता है आइए कैसे हो सकता है भजन की एक डिमांड भी थी सुना होगा और मैं सुनाना भी चाहती हूँ माताओं बहनों आपको आइए घर स्वर्ग कैसे बनेंगे कैसे बनाती थी माँ अपने घरों को स्वर्ग कैसे करती थी माँ संस्कारित अपने बच्चों को बेटों को ही नहीं बेटियों को भी माँ संस्कारित करती थी घर स्वर्ग ऐसे बनते थे बचपन से बेटी माँ के साथ में रहती है माँ उसको उपदेश देती है बेटी तुझे ऐसे करना है ऐसे रहना है लेकिन बेटी बड़ी हो गई माताओं और ससुराल जाने लगी तो माँ का उपदेश वहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा माँ भी माँ उपदेश दे रही है बेटी को अच्छा उपदेश तो माँ आज भी दिए जाते हैं लेकिन मैंने देखा आज उपदेश उल्टे हो गए हैं सारा काम ही उल्टा हो गया इसलिए तो बिगाड़ शुरू हो गया एक माता जी विदा कर रही आपकी बात नहीं है यहाँ तो सब अच्छी माताएं विदा करते हुए कह रही बेटी सारा दान दहेज दिया है ससुराल वालों को कोई कमी नहीं छोड़ी है जो मांगा था वो ही दिया है और ससुराल पहुंच करके कोई तुझसे एक कहे ना एक तो चार कहना पीछे मत रह जाना अब बताओ इस प्रकार इसी सच्चा से घर स्वर्ग बनेंगे या नरक बोलो टूटेंगे ना घर नहीं आइए एक आर्य माँ भेज रही है अपनी बहन को संस्कार क्या होते हैं आइए सुनिए उस आर्य माँ से भजन आपको सुना रही हूँ उसके बाद मैं पीछे हटूंगी आप सुंदर शिक्षा को ग्रहण करेंगे बड़ा सुंदर भजन कवि ने लिखा यूं बोली अपनी बेटी से ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि उलाना आ जाए जिससे ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना तू असली खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना उलाहना
फिर तक हम करेंगी। पूरी पड़ोसिन बहकाए लेना बन के रहियो सियानी, पूरी पड़ोसिन बहकाए लेना बन के रहियो सियानी, सास ससुर की सेवा करियो बोल के मीठी वाणी, सास ससुर की सेवा करियो बोल के मीठी वाणी, सबके संग हिल मिल के रहियो जितनी द्योर जिठानी, सबके संग हिल मिल के रहियो जितनी द्योर जिठानी, अपनी नंदी को बुलवाना उसका दिल नहीं दुखाना, अपनी नंदी को बुलवाना उसका दिल नहीं दुखाना, तू असली खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना, उलाहना ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, अपने पति की सलाह मान कर घर के काम चलाइयो, अपने पति की सलाह मान कर घर के काम चलाइयो, कभी जरूरत से ज्यादा ना कोई चीज मंगाइयो, कभी जरूरत से ज्यादा ना कोई चीज मंगाइयो, थोड़ी में से थोड़ी बेटी सभी बांट के खाइयो, थोड़ी में से थोड़ी बेटी सभी बांट के खाइयो, अपने मन को समझाना ना चीज चुरा कर खाना, अपने मन को समझाना ना चीज चुरा कर खाना, तू असली खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना, उलाहना ससुराल में जाकर बेटी देवर जेठ कछु कह जाए तो सबे सहन कर जइयो, देवर जेठ कछु कह जाए तो सबे सहन कर जइयो, साची साची अपने पति को सारी बात बताइयो, साची साची अपने पति को सारी बात बताइयो, आते जाते के हाथों तू मुँह पे खबर पहुँचियो, आते जाते के हाथों तू मुँह पे खबर पहुँचियो, चाहे पर जाए कष्ट उठाना पर रूठ के मत नाना, चाहे पर जाए कष्ट उठाना पर रूठ के मत नाना, तू असली खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना, उलाहना ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, माँ ने बेटी को समझाया, बेटी कहने लगी माताजी तुम जैसे मुझे समझा रही हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन माँ मैं जिस परिवार में बचपन से रही उसको छोड़ करके जा रही हूँ एक नए परिवार में, माँ एक बार तो मुझे जल्दी बुला लेना, कवि ने दिल खोल के रख दिया है मेरा सबसे पसंदीदा भजन। ओह जब ये कहा बेटी ने तो माँ का ममत्व भी हिलोरे लेने लगा, बिल्कुल देहाती भाषा में कवि ने लिखा, माँ यूं बोली, सावन लगते बुलवाए लूंगी कतई ना देर लगाऊं, सावन लगते बुलवाए लूंगी कतई ना देर लगाऊं, पूरण मासी के दिन ही तेरे भैया लेन खदाऊं, पूरण मासी के दिन ही तेरे भैया लेन खदाऊं, जैसो मांगे तेरी कोट में वैसो ही सूट सिलाऊं, जैसो मांगे तेरी कोट में वैसो ही सूट सिलाऊं, सावन झूलो बेटी मेरी ठाट से जी, सावन झूलो बेटी मेरी ठाट से जी, ए जी झूला
चाहे ले जाना, तू असली खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना उलाहना। ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, और अंतिम बात तो बहुत सुंदर कही माताओं, जिसकी आज समाज में बहुत ही जरूरत है, जिसने समाज की हड्डी को तोड़ के रख दिया है। आइए, व्याख्या का समय नहीं है, क्या कहा, गंदे स्वांग सिनेमा देखन कभी ना बेटी जइयो, गंदे स्वांग सिनेमा देखन कभी ना बेटी जइयो, देवी दुर्गा चंडी की मत पूजा करने जइयो, देवी दुर्गा चंडी की मत पूजा करने जइयो, अपने पति से कह कर जलसारियों का करवइयो, अपने पति से कह कर जलसारियों का करवइयो, जो सही सुनावे गाना भजनी खेम सिंह बुलवाना, जो सही सुनावे गाना भजनी खेम सिंह बुलवाना, खानदान की है तो लाना नहीं उलाहना उलाहना। ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, ससुराल में जाकर बेटी माँ बाप का नाम बढ़ाना, माँ बाप का नाम बढ़ाना, माँ बाप का नाम बढ़ाना। ऐसी बताओ, टूटेंगे इस शिक्षा से, नहीं घर स्वर्ग बन जाते थे और वही स्वर्ग होता है। इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा, बना लो जहां हां वही स्वर्ग है, नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है, भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है, ना मरने के बाद, ना जीते जी, ना चौथे आसमान पर, ना सातवें आसमान पर। इसलिए ये आर्य समाज आपको सचेत करता है, स्वर्ग हमारे घर, हमारे समाज, परिवार बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ से विद्वान समझाते हैं। आप अवश्य ही समझें। माताओं बहनों, मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी यहीं रोकनी पड़ेगी, और फिर निवेदन करूँगी, आपने मेरी कुछ बात तो